फर्स्टली आशी स्टार्ट करते हैं मीन. ओके ओके मैम. मीन मीन क्या होता है आशवी? द एवरेज वेयर यू एड ऑल द नंबर्स. ओके व्हेन यू एड ऑल द नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स मिले हुए हैं, जितने भी नंबर्स मिले हुए हैं उनको आप एड करोगे एंड डिवाइड द सम ऑफ नंबर बाय काउंट ऑफ नंबर. कितने नंबर से उनको काउंट करके उनको डिवाइड करोगे, उनके सम को डिवाइड करोगे. ओके जस्ट लाइक इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं. फर्स्टली आप आपके पास डेफिनेशन है मीन की? यस मैम, मेरे बुक में होगी. ओके लास्ट चैप्टर. यस मैम, मेरे मैम मीन की डेफिनेशन यस मैम मेरे बुक में है. मीन इज अ स्टैटिस्टिक स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक इज द सेम एज एवरेज इन द एज एवरेज इन अर्थमेटिक. ओके ये थोड़ी आपके लिए टफ हो जाएगी. तो सिंपली क्या होता है मीन क्या होता है? द एवरेज वेयर यू एड ऑल द नंबर्स, जिसमें आप सारे ही नंबर्स, अभी मैं आपको जब एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको थोड़ा क्लियर होगा. जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनको आप ऐड करोगे एंड डिवाइड करोगे उनको काउंट करके. जैसे आपको 10 नंबर दिए हैं तो आप उसको अपॉन 10 करोगे. तो जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उनकी सम को आप क्या करोगे? डिवाइड द सम ऑफ नंबर्स बाय काउंट बाय ऑफ नंबर्स बाय काउंट ऑफ नंबर्स. देन मीन क्या हुआ आपका? द एवरेज वेयर यू एड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड द सम ऑफ नंबर्स बाय काउंट ऑफ ऑल द नंबर्स. ओके एंड मीडियन क्या होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग? मैम मेरे बुक में है मीडियन. यस मैम, आफ्टर अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा. ओके ओके करेक्ट. तो आप इसको मीडियन को आप इस लैंग्वेज में लिख लो आशवी, आपको ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि मीन मीडियन की तो आपके लिए डेफिनेशन तो आएगी नहीं. अगर आएगी भी तो आप ये अगर ये इस लैंग्वेज में भी लिखोगे तो वो करेक्ट है. ओके देन मीडियन क्या होता है? मीडियन इज टेकन एज द मिडिल वैल्यू ऑफ द लिस्ट. मीडियन जैसे आपको कुछ नंबर दे दिए, मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, देन आपको 6, 8, 7, 9 मैंने कोई भी नंबर ले लिए, कोई मैंने ये नहीं देखा, मैंने अपनी तरफ से लिए. ओके तो हाउ मेनी नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 यहाँ पर आप 11 नंबर देखोगे. चलो आप 10 ही ले लो जिससे कि थोड़ा आपको ठीक रहे. ओके देर इज 10 नंबर्स. तो आप इसका मीन आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन मीन्स उसके बीच का, उसका मिडल. मिडिल नंबर कौन सा है? 1, 2, 3 एंड 4, 5 तो आप इधर से काउंट करोगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से आपका 5, 7 एंड इधर 9. अगर आप एक और नंबर ले लोगे 5 जैसे अभी हमने लिया था, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 नाउ अगर आप इसको देखोगे इसका आप मीडियन कैसे निकालोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. इसलिए हम क्या करते हैं एक फॉर्मूला बेस्ड इसको अप्लाई करते हैं. फर्स्टली हम इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना रहे. तो आशी पहले आप मीन की डेफिनेशन लिखो okay, क्योंकि आपके में थोड़ा सा
टफ वे में और आपको नहीं याद होगी, मुझे पता है एग्जाम टाइम है। मैम यस आशवी मैम, मेरी नॉर्मल जो नोटबुक में लिखती हूँ वो यहाँ पे नहीं है, मैं एक मिनट में। ओके फिर मेरे को बाद में कॉपी नहीं करना पड़ेगा दूसरी। मैम आप वन मिनट के लिए वेट करोगे? ओके Yes, ma'am. Yes, Ashvi. Write down firstly mean. Mean is the average. Mean is the average. Mean is the average. Is the average where you add. Mean is the average where you add all the numbers. Where you add all the numbers. All the numbers and divide the sum of number and divide the sum of numbers by sum of numbers by count of numbers. By count of numbers. जैसे आपको आशवी अगर बहुत सारे numbers मिल गए 2, 4, 6, 8, 9, 3 ठीक है, तो आप count करोगे 1, 2, 3, 4 and 5 तो आप कैसे लिखोगे 5 then इन सब नंबर्स को काउंटिंग में 2 + 4 + 6 + 9 + 3 ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको मीन के लिए आप ये यूज करोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज आप इसका पहले फॉर्मूला लिखो, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज भी फॉर्मूला जरूर लिख के आना क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो वन नंबर सिर्फ आपको सिर्फ इसके फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। Sum of
observation upon total number of observation. वही सेम चीज लाइक एवरेज वेयर यू एड ऑल द नंबर, जैसे हम सारे नंबर्स को एड करेंगे एंड डिवाइड द सम ऑफ नंबर्स बाय काउंट, कितने नंबर्स है उनको काउंट करके आप उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम चीज है, बस इसको आपको फॉर्मूला जरूर लिख के आना आशवी. ओके नेक्स्ट वन इज मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज टेकन एज द मिडिल वैल्यू ऑफ द लिस्ट. जितने भी नंबर्स दिए हैं उसका मिडिल नंबर कौन सा है उसके बेसिस पे हम मिडिल वैल्यू बताएंगे. मिडिल वैल्यू ऑफ द लिस्ट. हेलो आशवी, कैन यू हियर मी? कैन यू रिपीट? ओके, मीडियन इज टेकन एज द मिडिल वैल्यू. मीडियन इज टेकन एज द मिडिल वैल्यू value and to find the middle sorry and to find the median and to find the median median we need to write numbers we need to write numbers to number need to write numbers from smaller to largest numbers to small smaller to largest to larger largest smaller to largest large. And then find the median and then find the median. Yes, to aap iske liye likh sakte ho. First one is if अगर आपका हो odd के लिए if n is odd, n क्या है आपका numbers. Okay, तो n यहाँ पर आपका numbers में बताएंगे हम, तो आपके लिए formula लगेगा. अगर आप odd के लिए बात करें if n is odd then क्या होगा, median आएगा. median formula is median n plus 1 by 2 term या part. एक ये हो गया. एंड फॉर इवन इफ n इज इवन, अगर n आपका इवन में है देन मीडियन मीडियन के लिए फॉर्मूला लगेगा एन बाय टू टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन, क्योंकि अभी हमने क्या कहा स्मॉलर टू लार्जेस्ट टर्म बाय टू. Then median yeah, Ashwi, two formulas hai for odd and even. Okay, firstly write down then we start the exercise or worksheets. Thank you.
okay, Ashwi, आपको मैं एक for एक firstly question समझा देती हूँ इसके mean के लिए. देखो दो questions लेंगे, same लेंगे. That is mean. Mean के लिए हमने क्या कहा? Sum of all the observation. ठीक है? तो अगर आपको mean data निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? Sum of all the observation. मैं observation को short way में लिख रही हूँ, इसलिए ये मैं सोच रहा हूँ मतलब क्या लिखा है. And number of observation, यानी total number of observation. Clear? Then अगर हमने लिया 41 plus 39 plus 48 plus 52 plus 46 plus 62. ठीक है, कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 नंबर से. देन भी हमने कितने काउंट्स किए? 6 नंबर. पहले हमने नंबर्स लिखे, ये आपको दिए जाएंगे. ठीक है, और नंबर्स काउंट की 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हम उसको 6 लिखेंगे. फर्स्टली आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में जो भी आएगा देन अपॉन 6, और उसको आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ आशवी? यस मैम. ओके, और मीडियन के लिए क्या होगा आशवी? अभी हमने मीडियन भी करा था. देन अगर आपको मीडियन के लिए दिया जाएगा तो आप कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फर्स्टली एक क्वेश्चन आया, जैसे अरेंजिंग द गिवन डाटा. अगर आपको ये डेटा अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डेटा मिला है आपको, आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बताओगे आप इसको? जस्ट लाइक वी हैव 98, 96, then 62, then 60, 54, 52, 52, again 52, then 48, 46, 42, 41, 40 and 39. Then आप इसको कैसे निकालोगे? पहले आप काउंट करो ये कितने नंबर्स हैं. हाउ मेनी नंबर्स इन देयर? पहले काउंट करो आशवी, कितने नंबर्स हैं? मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. नो आशवी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, कुछ कोई मिसिंग हो गया, चलो कोई बात नहीं है. अगर ये आपका या अगर 14 नंबर है तो 14 आपका इवन नंबर है एंड ऑड नंबर? मैम 14. आशवी 14 क्या नंबर है बेटा? इवन है और ऑड है. देखो इवन नंबर से मैंने आपको क्या बताया था कल, जो 2 के टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इवन नंबर, और बाकी सारे आपके ऑड होते हैं. तो 14 आपका इवन नंबर है एंड ऑड? इवन. इवन, गुड. तो अगर आपको इवन के लिए दिया जाएगा तो आप इवन वाला फॉर्मूला लगाओगे. अब मैंने इसमें एक डिजिट पढ़ा दी, दैट इज 52. तो ये आपके क्या नंबर बन गए? 15. तो ये आपके लिए ऑड बन गया. ठीक है ना, अगर ये ऑड हो गया देन आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ऑड के लिए. ऑड के लिए आपका फॉर्मूला क्या है आशवी? मैम ऑड के लिए है हमारा n का फॉर्मूला. यस बोलो. n plus 1 by 2. और आपका ऑड के लिए क्या बताया था हमने? मैम ऑड के लिए तो ये है n plus 1. ओ सॉरी, इवन के लिए
अगर आपको इवन के लिए दिया जाएगा तब आप लगाओगे एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन बाई टू, ओके तब आप इसको मैम वो वाला स्क्रीन में आप बैक कर सकते हो, मेरा वो लास्ट वाला बाकी था। अरे तो आज भी आप कह सकते थे, यस मैम। ओके आशवी, अगर यही क्वेश्चन अगर हमने जैसे 15th के लिए लिया तो हमारा फॉर्मूला लगा मीडियन के लिए एन प्लस वन बाय टू, ओके। अब आप कैसे करोगे, हमारा ऑड नंबर क्या, हमारा इवन सॉरी ऑड नंबर है 15, दैट इज 15 क्योंकि एन नंबर हमारा 15 आया, वन हमने ये अभी एक डिजिट और बढ़ाई 15, दोनों में आने आपको समझा दिया। अगर हमने एक डिजिट पर आके अब 15 हो गया, देन 15 प्लस 1 बाय 2, देन 15 प्लस 1 इज 16 बाय 2, आप इसको 2 के टेबल से डिवाइड करोगे दैट इज 8। तो आप क्या करोगे, हमें देखना है 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट्थ नंबर भी कौन सा नंबर है 52, तो बस हमारा मीडियन क्या हो गया 52, क्लियर। 15 के अकॉर्डिंग हमने कैसे देखा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब इधर से भी आपका एट्थ नंबर 52 है और इधर से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देन हमारा एट्थ नंबर 52 ही है, मीडियन हमारा 52 हुआ। क्लियर हुआ आशवी? नो मैम। नो, ओके ओके आशवी, जैसे आपको कोई भी डेटा दिया जाएगा, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, मैंने तो आपको एक एग्जांपल ऐसे ही बताया है, जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमें डेटा मिला, ठीक है, अगर आपको नंबर्स काउंटिंग करोगे, पहले अगर आपको इवन नंबर सीखते हैं तब आप मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन अपॉन टू। तो अगर आपके नंबर्स, जैसे अगर आप मीडियन के लिए ले लो, हमारे इवन नंबर होगा कोई भी, आप कोई भी नंबर ले लो, जस्ट लाइक 24 इज द इवन नंबर, देन 24 प्लस अगर 20 नंबर हमारे 24 ही है, देन 2 प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको आप कट कर सकते हो 12 टाइम्स, इसको भी कट कर सकते हो 12 टाइम्स, देन 12 प्लस 12 प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं है क्योंकि हमारा सा ओ सॉरी अब ये 2 रह गया, देन 2 ये अपॉन 2 था, ओके। नाउ 24 12 प्लस 12 24 प्लस 1 25 अपॉन 2, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका मीडियन निकल जाएगा इन द इवन नंबर्स, और ऑड के लिए आपने ये वाला एग्जांपल लिया ही है मैम। यस आशवी, और जो आपने 24 कट किया उसमें आपने 12 भी फिर क्यों किया, मतलब देखो आशवी आप देखो मैं बताती हूँ आशवी, अगर आप 2 के टेबल को 24 से डिवाइड करोगे, मैंने दिया 24 अपॉन 2, यानी कि ये इसको आपको डिवाइड करना है, तो 2 वंजा 2, ओके माइनस 0, यहाँ पर आप 4 लिखोगे, 2 टाइम्स 4 देन 0, तो 12 टाइम्स हुआ ना। यस मैम, इस वजह से मैंने वहां 12 लिखा। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन क्वेश्चंस में, ये आपको कि एट्थ ऑब्जर्वेशन हमारे ये ऑड के लिए आया और इवन के लिए मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बहुत कम आशवी मोड नहीं है ना आपके यहाँ,
मोड मोड मैम किस चीज का मोड मोड मीन मीडियन मोड एक और होता है मोड ओ एक और फॉर्मूला होता है मोड मीन मीडियन मोड चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आशी फाइंड द मीन अब मीन के लिए आपको फॉर्मूला पता है और मीडियन के लिए भी पता है फाइंड द मीन देन फर्स्ट वन इज आप बताओगे आशी क्योंकि मैंने फॉर्मूले से भी आपको बताया है फर्स्ट वन इज 22 देन 24 then 26 then 28 then 30 then 32 34 and 36 28 30 32 34 and 36 firstly kya karoge aashvi ma'am in sab को काउंट करना होगा पहले वेरी गुड पहले आप क्या करोगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ठीक है हमारा फॉर्मूला क्या लगता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपके ऑब्जर्व जितने भी हैं आपके जितने भी नंबर्स हैं टोटल उनको नंबर्स को आप फिर बाद में काउंट करोगे यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है तो आप फर्स्टली कैसे करोगे आशवी सम करो then 22 plus 24 plus 26 plus 28 plus 30 plus 32 plus 34 plus 36 how many numbers in there ma'am 8 then 8 okay iska calculation karo to kitna aayega aapka yes ma'am I'm 22 plus 24 आपको ऐसे 46, ही करना पड़ेगा 46 जर हाँ आशी ये मैंने नंबर्स लिख दिए अब इन सबको आप काउंट करो 36 6 plus 4 10 10 plus 2 12 12 plus 8 20 20 plus 6 26 26 plus 4 30 30 plus 2 32 then 32 yani ki 3 aapka 3 ab yahan se 3 plus 6 3 plus 3 6 6 aur isko kar sakte ho 9 9 plus 3 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 okay addition is 23 तो आपका आ गया 232 अपॉन 8 अब आप इसको डिवाइड करो आशवी इसको आप डिवाइड आप करोगे एडिशन मैंने कर दिया डिवाइड आप करो मैम 232 डिवाइडेड बाय 8 यस ओके मैम मैम 29 वेरी गुड करेक्ट
आंसर इज 29. क्लियर हुआ मीन कैसे निकाला हमने? Yes, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका. ये इजी है थोड़ा. 11, 13, 17, 19 एंड 23. मैम ये मैं पूरा खुद करूं? हाँ ये आप खुद करोगे. मैम यस आशवी, जो इसका रफ वर्क है उसको जो आपने जैसे करवाया था वैसे ही करना पड़ेगा. आप एक बार जो आपकी स्क्रीन थी पिछले वाली वो नहीं, आप एक काम करना, यहाँ ये एक लाइन खींचना अपनी कॉपी पे, यहाँ पर रफ लिख लेना और रफ वर्क कर देना. नहीं मैम वो ठीक है. नहीं तो वो ठीक इसलिए है कि आशी वो फर्स्ट पेपर में इसलिए नहीं शो करूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें फिर पता चलेगा. पहले फॉर्मूला लगाओ ना अपने आप, कोशिश करो. फॉर्मूला क्या होता है पहले मीन का? मैम मीन का तो हाँ देखो आपने कॉपी पे लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया फिर आशवी, ये बताओ पहले. काउंट करना? नहीं मैम आपने जो नंबर्स लिखे थे इतने सारे उसमें. हाँ तो ऐसे लिखो ना, 11 13 ऐसे लिखो नीचे को. दैट इज 11 13 17 19 23 ऐड करो. ओके मैम. मैम 83 करेक्ट. और हाउ मेनी नंबर्स इन दैट? 5. वेरी गुड. देन 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 अपॉन 5, ये आपका मीन निकलेगा. मैम मीन या वो और मीडियन मतलब उसको डिवाइड करना? किसको डिवाइड करना? मीडियन के लिए अलग फॉर्मूला है, मीन के लिए अलग फॉर्मूला है. ठीक है तो आप अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे 83 को, देन 1 टाइम्स 5, 8 माइनस 5 3, 33. आप 33 को कैसे करोगे? आप कितने टाइम्स जाएगा 33? सिक्स टाइम्स 30 होगा. 5 6 30, 10 3 अगेन पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, देन अगेन 6 टाइम्स आपका 30 से रिमाइंडर जीरो हो गया. देन आंसर इज 16.6 आंसर हो गया. क्लियर? यस मैम. ओके नाउ अनदर वन इज, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, फर्स्ट ओके फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके? फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जीरो. नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग किससे होती है आशवी? नंबर वन से, और होल नंबर की जीरो से होती है. देन वन
2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. तो हम क्या करेंगे आशवी, हमें पता है हमें क्या करना है मीन के लिए, अगर आपको मीन इस तरीके से निकालने के लिए आए. Then 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Then हमारे numbers भी हमें पता है कि 8 हैं. Then 8 और इनका total आपका कितना हुआ आशवी? Total is 36. Okay, मैं बता देती हूँ इसी. 36 upon 8. अब आप इसको क्या करोगे? इसको आप डिवाइड करोगे 8 के टेबल से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 आंसर आ जाएगा. ओके 4.8. मैम एक मिनट मैं लिख लेती हूँ. ओके मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ आपको. ओके मैम आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई. Okay, you have done? Oh, no, ma'am. Yes, ma'am, done. Okay, Ashwi, अगर question आए, first 5 multiples of 6, या आपको कोई भी table का आएगा, तो आप कैसे लिखोगे? 5 multiples कौन से हो गए? First one is? Ma'am, first one is 5. No, Ashvi, first 5 multiples of 6. Multiples kaun se hue? Of 6. Haan, to 6 plus 12, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30. Okay, then kitne numbers hue? 6, oh, 5, okay, 5 numbers hai. Then? Upon 5, okay, क्योंकि हमसे 5 multiples पूछे हैं इसके. Then 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, by 5, क्योंकि हमें 5 multiples पूछे हैं. आप इसको ऐड करोगे 12 plus 6 18, 18 plus 18 36, 36 plus 24 करना, 36 को आप इधर 64 करो, 64 plus 24. Then 8 and 6 plus 2 also is 8. Mistake. 6 18. इसको दोबारा कर देते. 12 plus 12 6 18, 18 plus 18 then 24 plus 30. 8 16 16 20 got 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9. Now answer is 90 upon 5. आप इसको डिवाइड करोगे 5 के टेबल से. 1 times 5 9 minus 5 is
फोर ओके एट टाइम्स 40 हुआ देन रिमाइंडर इज जीरो तो आपका आएगा 18 देन आंसर इज 18 ओके मैम मैम एक मिनट में by 5 that is the rough work Yes, ma'am. Okay. Now, Ashvi, next question is, अगर आप firstly बताओ prime numbers क्या होते हैं Ashvi? Prime number. Prime numbers. Ashvi करवाई है ना prime numbers क्या होते हैं? Prime numbers is the natural numbers greater than one. आशी कौन से होते हैं प्राइम नंबर आशी अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आ गया कि कोई भी आपको बताना है जो मतलब एमसीक्यूज बेस्ड आ जाए या फिर मे भी अगर थ्योरिकल बेस्ड आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या है तो आप कैसे बताओगे आशी मैंने आशी आपको प्राइम नंबर्स बताए थे वो नंबर्स होते हैं जो किसके टेबल में आते हैं आशी जो किसी से भी कट नहीं होते जो ग्रेटर देन होते हैं फर्स्टली इट इज ग्रेटर देन वन ठीक है ग्रेटर देन वन और क्या होता है ये सिर्फ इट इज डिफाइंड और आप इसको सिर्फ कैसे बता सकते हो इट इज डिफाइंड एज ये अपने आप से सिर्फ अपने आप में एक नंबर होता है जैसे जो किसी भी टेबल से आप डिवाइड नहीं हो सकते उन नंबर्स को कहते हैं जो ग्रेटर देन वन होते हैं और अपने ही सिर्फ जैसे कोई भी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कट हो सकते हैं जैसे सेवन है क्योंकि वन से हमें ग्रेटर देखने हैं टू आपका टू के टेबल देन थ्री टू भी है थ्री और फोर नहीं सॉरी टू थ्री फोर तो आपके टू के टेबल में भी आएगा और फोर के टेबल में भी फाइव सेवन नाइन नहीं है इलेवन थर्टीन थर्टीन नाइनटीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो कोई भी ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन वन होता है और अपने ही सिर्फ अपने आप में एक नंबर होता है अगर आपको 21 टू 40 कोई नंबर्स बतानी हो तो आप कौन से नंबर्स बताओगे प्राइम नंबर्स 21 टू 40 यस 23 वेरी गुड 23 29 27 अच्छा थ्री के टेबल में आता है 4 5 6 29 ओके 31 वेरी गुड 31 और 37 33 किसके टेबल में आएगा 30 अच्छा 11 में सॉरी
11 के टेबल में आएगा 37 करेक्ट 35 भी आपके 7 के टेबल में आता है देन और नो और कोई नंबर नहीं है यस कौन कौन से नंबर्स हो गए आपके 23 29 31 37 वेरी गुड तो आप क्या करोगे अगर इसके लिए कोई आ जाएगा तो आप उसको मीन कैसे निकालोगे 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 हाउ मेनी नंबर्स इन देयर 5 तो इनको ऐड करेंगे देन अपॉन 5 आप 5 से डिवाइड कर दोगे उनकी कैलकुलेशन को उनका सम को देन आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा क्लियर ओके मैम ओके ओके आशवी मैम आप यस आशवी इसको पर आपने 5 से क्यों किया 4 डिजिट्स हैं तो 1 2 ओ गॉड सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया ओके तो जो भी कैलकुलेशन से आपका आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे ओके मीन के लिए आपके ये क्वेश्चन है मीडियन आपके आज भाई की क्लास तो नहीं है ये पता चला हम स्टार्ट करें नो मैम ओके एक क्वेश्चन लेते हैं आशवी फर्स्टली मीन तो आप कर सकते हो द मीन ऑफ एटीन ट्वेंटी एट एक्स थर्टी टू फोर्टीन एंड थर्टी सिक्स इज ट्वेंटी थ्री ये क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कैसे फाइंड आउट करोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x सम ऑफ डेटा तो फर्स्टली मीन ऑफ 18, 28, x, 32, 14, and 36 equal है 23 के, okay? 18, 28, x, 32, 14 and 36. So हमें find the value of the x. तो हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू तो हम कैसे करेंगे मीन इक्वल टू क्या होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर टोटल नंबर्स जो हमारे ऑब्जर्व है टोटल नंबर्स देन मीन कितना दिया है आशी हमें मीन इज 23 मीन मींस जो हमें टोटल मिला है टोटल हमारा कितना है 23 देन सम करना है हमें 18 प्लस 28 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस 14 प्लस 36 हाउ मेनी नंबर्स इन देयर टोटल नंबर्स कितने हैं आशवी 1 2 3 4 5 एंड 6 यस देन बाय 6 चेंज करूं आशवी पेज तो मैम बाय 6 तक ही लिखना सर उसके बाद नहीं नहीं अभी और है आशवी अभी हमें मीन कितना मिला हुआ था देखो हमें क्वेश्चन था द मीन ऑफ 18 28 एक्स 32, 14 and 36 is 23. Mean, इन्होंने हमें आंसर दे दिया कि 23 है यानी ये जो सब इक्वल है 23 के है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू
तो देन सम ऑफ डेटा मीन ऑफ 1828 ये हमें सब मिला हुआ है इक्वल टू 23 के है. देन हमें मीन का फॉर्मूला पता है. मीन का फॉर्मूला है हमारा मीन का है मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स टोटल इक्वल बाय टोटल नंबर्स. ये हमारा फॉर्मूला है ना मीन का. देन हमें मीन 23 दे रखा है. सम करना है हमें 18 प्लस 28 प्लस x प्लस 32 प्लस 14 प्लस 36 देन हाउ मेनी नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 देन बाय 6 हो गया. क्लियर? चेंज करूं आशवी? यस मैम. एक सेकंड. ओके नाउ अब हम इसको करेंगे. कितना कैलकुलेशन से आशु कितना कैलकुलेट होके आ रहा है? 6. देखो पहले तो हम 23 लिखेंगे. 23 इक्वल टू एक्स प्लस 128 होगा इसका आंसर. चेक करना एक बार कभी गड़बड़ हो रहा हो. मैम फिर x की वैल्यू क्या हुई फिर? अभी x की वैल्यू निकालेंगे. अभी आशु निकाली नहीं है. देन आशवी अब इसको हम अपोजिट साइड रखेंगे. कैसे? जस्ट लाइक 23 मल्टीप्लाई 6 देन इक्वल टू 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 128 सेम ही आएगा आपका. 23 को 6 से मल्टीप्लाई करो. 23 देन 6 6 इज 18 देन 1 6 2 जो 12 1 3 13 Then answer is 138 equal to x plus 128. तो अब हमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? x equal to 138. मैंने कहा था आपको आशवी जब आप वैल्यू को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करते हो तो प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाता है. देन 128 अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें से आप माइनस करोगे 128. Then 8 minus 8 is 0, 3 minus 2 is 1, correct. Okay, so x ki value aapki hogi 10. Hence the value of x is 10. Clear hua Aashvi? Hamesha value 10 hi rehti hai. Nahi, nahi Aashvi, ye to ek aapne formula lagaya mean ke liye aur aapko x ki value nikalni thi, to kaise nikaloge aapne ye find out kiya? क्लियर? नो मैम थोड़ा और. देखो आशवी क्वेश्चन था हमारा द मीन ऑफ हमें मीन दे रखे हैं. जैसे आपको अभी मैंने बहुत सारे नंबर्स के लिए कहा था तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से 18 है 28 है एक्स है देन 32 14 एंड 36 और इनका टोटल उसने कहा कि 23 है. इन सबका मीन जो है वो 23 है. ये हमें मीन मिला हुआ है. इसमें इसने हमें मीन दे दिया कि ये 23 है तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू क्या होगी. x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? मीन ऑफ 18 28 x 32 14 एंड 36 का टोटल हमारा क्या है 23. तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स. तो आपका मीन हमें 23 मिला हुआ है इक्वल टू 18 प्लस 28 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस 14 प्लस 36. कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल नंबर हमारे 6 है. ठीक है यहां तक क्लियर है आशवी? यस मैम. देन हमने कैसे किया आशवी? 23 यहां पर हमारा वही फॉर्मूला बेस्ड लिखा था मीन और हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आया? टोटल जितने भी नंबर्स थे आपके यहां पर देखो 18 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 36 इन सबको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आया 128. क्योंकि आप x को तो इसमें जोड़ ही नहीं सकते तो आपने क्या करा 128 प्लस x लिखा उसको. ठीक है तो आपने उसको x प्लस 128 लिखा और फिर टोटल नंबर आपके 6 थे. ठीक है टोटल नंबर कितने थे आपके 6 तो 20 आपने कैसे करा? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. क्रॉस
मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 23 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे और 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे. 1 की मल्टीप्लाई x से करने पर आपका आंसर x प्लस 128 ही आना था. इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 128 और 23 की क्रॉस मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई 6 देन आंसर इज 138 इक्वल टू हमने सेम लिखा x प्लस 128. देन x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आज भी जब भी आप राइट हैंड साइड से अब ये यहां रखा है 128 x तो हमने इसकी जगह पर रखा है 138 अपनी जगह पे है. देखो x तो अपनी जगह पे रखा है और इधर 138 रखा है. अभी मैंने इसके लिए नहीं देखा कि 126 वो 28 कहां है. हमारे पास यहां पर जो वैल्यू थी ये तो अपनी जगह पे है तो x इक्वल यहां पे ये प्लस की वैल्यू यहां जाएगी यहां माइनस हो जाएगी 128 आपका ये वैल्यू आपकी 128 की प्लस की वैल्यू यहां जाके माइनस हो जाएगी 138 माइनस 128 इक्वल टू x देन 10 हो गई तो x की वैल्यू आपकी 10 आ गई आंसर. क्लियर? यस आशवी. आशवी करके देखना अपने आप थोड़ा सा अगर नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझा दूंगी. ठीक है चलो एक क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए लिखो. अरे तो हेलो. यस आशवी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन मैम पर वो 128 कहाँ से आया. 128 तो आज भी रखा है ना आपका x प्लस 128 ये देखो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 23 मल्टीप्लाई 6 देन इक्वल टू x प्लस 128 तो आपको 23 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 138 इक्वल टू x प्लस 128. तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था आज भी अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू जो भी वैल्यू आपकी x की वैल्यू अपनी जगह पे रखी है वो राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी राइट हैंड साइड पे रखी है और इधर वाली लेफ्ट पे. अब ये राइट वाली यहाँ पर आपका 128 है जब वो इधर जाएगी लेफ्ट की तरफ तो प्लस आपका चेंज हो जाएगा माइनस में तो 138 माइनस 128 इक्वल टू एक्स तो एक्स की वैल्यू आपकी हो गई 10. क्लियर आशवी? यस मैम. ओके आप एक क्वेश्चन लिख लो आशवी होमवर्क के लिए. अगर चलो कल ही करते हैं आशवी लीव. ओके आशी कल मिलते हैं. बाय मैम. बाय बाय.